स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एनबीएफसी के बारे में, वो दिग्गज कंपनी है और एनबीएफसी है ये, और मार्केट की दिग्गज कंपनी है। आप देख सकते हो इसके क्वार्टरली रिजल्ट सभी पैमानों पे, ईयर ऑन ईयर नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन सभी में इसमें बढ़त है और ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। और ये मल्टी बैगर स्टॉक है दोस्तों, और आप देख सकते हो मार्केट के एक्सपेक्टेशन भी बीट करती है कंपनी। हर क्वार्टर में बीट करने की कोशिश करती है और बीट भी करती है। ये कोविड की वजह से पिछले 2 क्वार्टर में ये बीट नहीं कर पाई दोस्तों। और आप देख सकते हो इस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी काम करती है लेंडिंग में, और ये कंपनी बजाज फिंजोर लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है दोस्तों, और इज द वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कंपनी इन इंडियन मार्केट। ये इंडियन मार्केट की डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर है पुणे। ये कंपनी काम करती है लेंडिंग में, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में, लाइफ स्टाइल फाइनेंस, डिजिटल प्रोडक्ट फाइनेंस, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, स्मॉल बिजनेस लोन, वॉलेट, कंपनी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर लोन, कमर्शियल लेंडिंग, ये सभी प्रकार के लोन बांटती है दोस्तों। और ये डाइवर्सिफाइड, फुली डाइवर्सिफाइड कंपनी है लोन बिजनेस में, और ये एनबीएफसी मार्केट की दिग्गज एनबीएफसी है, आप सभी को पता है। और ये कंपनी काम करती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। इट इज 100% सब्सिडरी ऑफ बजाज फाइनेंस। तो ये बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी है 100%, और बजाज फाइनेंस सब्सिडरी है बजाज फिंजर की। और इसमें और एक कंपनी है दोस्तों, 100% सब्सिडरी ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये है बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये कंपनी भी 100% बजाज फाइनेंस ओन करता है। और आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास अभी एज ऑन डेट 2988 लोकेशन पे ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, इनकी ऑफिस है, और इंक्लूडिंग 1690 इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में 1700 तक है दोस्तों, और सभी लोकेशन पकड़ोगे तो 3000 के आसपास इनके ऑफिसेस है। इट फोकसेस ऑन 6 ब्रॉड कैटेगरीज। तो ये और ब्रॉड कैटेगरीज में काम करती है, कंज्यूमर फाइनेंस में, ड्यूरेबल फाइनेंस, लाइफ स्टाइल, डिजिटल, ईएमआई, एसएमई लोन प्रोवाइड करती है, हाउसिंग फाइनेंस। तो ये कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है दोस्तों, और मार्केट की दिग्गज एनबीएफसी कंपनी है। और अभी हम आते कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,74,64,000 करोड़, और इसका फेस वैल्यू 2। ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है दोस्तों, और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बांटती है। अभी हम आते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास है 55.86%, एफआईआई है 21%, डीआईआई है 11.23%, पब्लिक है 11%, और अदर्स है 0.35%। तो आप देख सकते हो कैसे स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों। एफआईआई ने 21% तक एक्वायर करके रखा है इस कंपनी में। और अभी हम आते हैं कंपनी के रिजर्व्स पे। आप देखिए कंपनी के फाइनेंशियल तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको दिखाया मैंने मार्केट की एक्सपेक्टेशन बीट की है इस कंपनी ने, तो फाइनेंशियल तो अच्छे है ही इस कंपनी के। आप रिजर्व्स देखिए इसके 19 से अवेलेबल हैं। 2019 में 19,000 करोड़ के रिजर्व्स थे कंपनी के पास, 20 में 31,000 करोड़ के, और अभी 2021 में इनके पास 36,494 करोड़ के रिजर्व्स अवेलेबल है दोस्तों। इसकी पीयर्स कंपनियां देखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आईआरएफसी, सभी दिग्गज कंपनियां हैं दोस्तों। और इसका कंपटीशन दे सकता है इसको बजाज फाइनेंस को, वो है मुथूट फाइनेंस दोस्तों। मुथूट फाइनेंस ये अगला एनबीएफसी दिग्गज बन सकता है दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी हम आते कंपनी के शेयर प्राइस पे। आप देख सकते हो अभी कंपनी अच्छा खासा करेक्शन पे अवेलेबल है दोस्तों। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयर पोर्टफोलियो में ये शेयर ऐड कर सकते हो, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म ये आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकते हैं, आप चेक कर सकते हो। इसका 52 वीक लो है 5,267 रुपीज़, और 52 वीक हाई बनाया इसने 8,050 रुपीज़ का, और ये कोविड में दोस्तों 2,000 के नीचे आ चुका था। और जिसने भी कोविड में खरीदा है हुआ 5 साल पहले खरीदा है ऐसी प्राइस पे वो खरीदा है दोस्तों, जिसने भी कोविड में खरीदा है इस शेयर को, वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे है दोस्तों, अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी। और देख सकते हो ईयर टिल डेट में ये शेयर 16% डाउन चल रहा है दोस्तों, ये 25% तक गिर चुका है दोस्तों। 8,000 के ऊपर गया था ये शेयर, और वहाँ से इसमें गिरावट हुई है, और ये 6,000 के नीचे भी आया था, फिर से थोड़ी रिकवरी कर ली इस शेयर ने। और एक साल में देखिए, एक साल पहले जिसने भी खरीदा है वो अभी भी 5% के प्रॉफिट पे चल रहा है दोस्तों। और 5 सालों में देखिए, 5 साल पहले जिसने भी ये शेयर खरीदा है वो अभी भी अच्छे रिटर्न पे बैठा है, 337%। तो 3-4 गुना कर दिया है इस कंपनी ने पैसा अपने शेयर होल्डर का 5 सालों में। और मैक्सिमम देखिए अभी तक इस शेयर ने 1,04,600% रिटर्न दिए दोस्तों, रिटर्न जिसने भी ये लॉन्ग टर्म से होल्ड किया है वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठा है दोस्तों। तो ये शेयर लॉन्ग टर्म शेयर है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए। आप महंगा शेयर है बोल के इसे छोड़ मत दीजिए, एक एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। आप मंथली ऐड कीजिए, वीकली ऐड कीजिए, आपको जैसे पॉसिबल होता है वैसे ऐड करते रहिए। ये एसआईपी स्टॉक है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।